हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दावत अलअज़ीज़ विद सुल्ताना। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब ठीक होंगे, और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैंने यहाँ पे दो फिशेस लिए हुए हैं, एक पॉम्पलेट है और इनको मैंने ऐसे कट लगाया हुआ है। ये फ्राई के लिए बहुत ही आसानी से अच्छे से मैरिनेट हो जाता है। चलिए हम मैरिनेशन के लिए मसाला रेडी कर देते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, फिर हम इसमें ऐड करते हैं 1 स्पून विनीगर, अब इसमें हम ऐड करते हैं 4 स्पून लेमन जूस। And 1 tablespoon pepper powder, now our desi masala, 1/2 spoon turmeric powder, 1/2 spoon coriander powder, and 2 spoon red chili powder. अब इसमें हम डालते हैं 1/2 स्पून नमक, सॉल्ट, इसको अब अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। एक अच्छा सा पेस्ट बन जाता है। आई जस्ट रिक्वेस्ट कि इसमें वाटर ऐड ना करें आप। यही पेस्ट आपको इजीली फिश पे अप्लाई करने के लिए आसानी से हो जाएगा। If you need some water, just better I'll suggest you कि 1 spoon और lemon juice add कर दें, but water add ना करें। अब ये मसाले को जैसे मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है वैसे इसको apply करें। अच्छे से पूरी fish को मसाले से आप cover करना होगा, तब जाके इसका taste अच्छे से आएगा। इसको मसाला अप्लाई करने के बाद में ऑलमोस्ट लाइक 20 मिनट्स to 30 मिनट्स तक इसको आप मैरिनेट करेंगे, फिर ये फ्राई के लिए रेडी रहेगा। आप देख सकते हो मैं कैसे इसको अप्लाई कर रही हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अप्लाई लाइक दिस। आप कोई भी फिश पे एक मसाला अप्लाई करके फ्राई कर सकते हो। लकीली आई गॉट पॉम्पलेट आफ्टर लॉन्ग टाइम। आप मेरे वीडियो वॉच करते हैं तो प्लीज़ बताइएगा कि मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और इफ़ आई वांट टू इम्प्रूव माय वीडियोस, प्लीज़ लेट मी नो कि आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। आपको किस तरह की रेसिपीज़ भी पसंद है ये भी बता दें, तो आई विल ट्राई टू कम अप विद दोस रेसिपीज़। और आई एम अ फिश लवर, मैं फिश ज़्यादा बहुत पसंद करती हूँ। तो आपको फिश के ही डिशेस चाहिए या यू लाइक मोस्ट ऑफ द चिकन और समथिंग, तो आप मुझे बताइएगा, तो श्योर मैं उस रेसिपीज़ को आपके पास साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। मैंने इसको 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट कर दिया है,
मैंने यहाँ पे लिया है 1 स्पून ऑयल, उसके साथ साथ आप देख सकते हो मैंने सूजी लिया हुआ है। इसको यहाँ साउथ इंडिया साइड में इसको रवा फ्राई बोलते हैं और गोवा में ये बहुत फेमस है और हमारे घरों में रेगुलर बनता है क्योंकि आई एम फ्रॉम कोस्टल साइड सो आई लव इट। तो जो भी आपके लिए कोस्टल साइड की डिशेस आपको चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो सो आई कम अप विद दोज रेसिपीज़ विद यू। तो जहाँ पे मैंने आप देख सकते हो कि मैंने इसको अच्छे से सूजी में इसको डिप कर दिया है हर कॉर्नर से। ये रेडी है, अभी इसको हम फ्राई करने के लिए रखते हैं। ऐसे ही मैंने दूसरा भी कर लिया है। जब ये वन साइड थोड़ा सा शैलो फ्राई हो जाता है तो इसको टर्न कर लें। और इस पे थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको फिर से रोस्ट होने दें। इसकी साइड मैंने दो बार पलटी है ऑयल लगा के, तो आप देख सकते हो आप रेडी है। इसको आप राइस के साथ सर्व कर सकते हो। मैंने यहाँ पे राइस और फिश और लंगर वाली दाल जो बनाया था इसके साथ, तो मतलब आपको क्या बोलूँ मैं, जो राइस और दाल के साथ जो फिश फ्राई रहता है बहुत ही यम्मी टेस्ट होता है। होप यू लाइक माय वीडियो। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ क्लिक ऑन बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।